काफी लंबा टाइम लगा दिया अपने अगले फोन को लॉन्च करने में और फरवरी में अब जाके उन्होंने अपना जो नया सीरीज होती है ना X सीरीज के अंदर X7 और X7 Pro रिलीज करे है। देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से मेरे को ठीक ठाक फोन लगे, यानी कि हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा कंपेटिटिव प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रोडक्ट आपको थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला, यानी कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं लेकिन डेफिनेटली परफेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो में क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या बुरा है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। और बिना किसी देरी के आप लोग रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस कंसर करो, सब्सक्राइब टू द चैनल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे अफोर्डेबल फोन के बारे में, जो कि है Realme X7, जिसका जो बेस मॉडल 6GB रैम 128GB वाले मॉडल की जो प्राइसिंग रखी है उन्होंने, वो रखी 19,999। Yes, अब 20,000 रुपए में आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली बात करें डिजाइन देखा जाए तो दोनों ही फोन X7 X7 Pro का काफी अच्छा देखने को लग रहा है। पीछे जो ग्रेडियंट डिजाइन दिया है ना उन्होंने, देखने में काफी अच्छा है। हालांकि देखा तो फोन के डिजाइन को देख के यहाँ पे मेरे को कुछ ओप्पो के फोन की याद आ जाती है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करूंगा, कहानी आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन ऑब्वियसली डिजाइन काफी अच्छा है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है पता चली है कि X7 सीरीज के अंदर आपको प्लास्टिक डिजाइन देखने को मिल रहा है, वही X7 Pro में प्लास्टिक फ्रेम है, लेकिन वहां पे ग्लास का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि बात करें तो यहां पे आपको 60Hz का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हां, 600 nits की यहां पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 180Hz का टच रिस्पांस देखने को मिलता है। यहां पे मैं सिर्फ Realme के X7 की बात कर रहा हूं। अच्छी चीज है कि यहां पे आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल रही है 60Hz की, वो भी यहां पे ठीक है, 180Hz इतने ज्यादा काम की नहीं है। ये काफी हद तक डिस्प्ले काफी हद तक कुछ वैसे ही जैसा आप इससे पहले iQOO 3 के अंदर देखा था, उसके अंदर भी सेम 180Hz का टच रिस्पांस देखने को मिलता था, तो यार यहां पर भी है। और यहां पे आपको होल पंच डिस्प्ले का कटआउट देखने को मिल रहा है, जो कि इसको थोड़ा सा स्टैंड आउट बना देता है। तो यार आपको कुछ इस टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी यहां पे यूज किया गया है। और इसके साथ ही जिन लोगों को डर था कि फोन का वेट कितना होगा, तो वो है 176 ग्राम और 8.1 mm है ना इसकी थिकनेस आपको देखने को मिलेगी। और अब वही बात करें फोन के दिल के बारे में, यानी कि फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पे आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U चिपसेट देखने को मिल रहा है। 3.5 लाख के अराउंड इसका जो Antutu स्कोर है वो आपको देखने को मिलता है। ये 7nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। रियलिटी में यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, इसकी जो परफॉर्मेंस है 730G 732G जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहे थे ना स्नैपड्रैगन के, उनके ऊपर मैं रखना चाहूंगा। लेकिन डेफिनेटली जो फ्लैगशिप 800 सीरीज होती है ना, जो स्नैपड्रैगन में मिलती है, उसके आप डेफिनेटली नीचे रहेगा। यानी कि 3.5 लाख 20,000 रुपये के फोन के हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर होता है। अगर मैं प्रोसेसिंग की पावर की बात करूँ, काफी अच्छी प्रोसेसिंग पावर देखने को मिलेगी, बैटरी भी सेव कर लेगा, एक अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है विथ डुअल 5G सपोर्ट के साथ। अब डुअल 5G का मतलब यह कि डुअल सिम 5G को सपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पे अगर हम बैंड्स के बारे में बात करें तो जो मेन स्ट्रीम 4 बैंड्स होते हैं 5G के, यहाँ पे उसका सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये कि यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक 5G के साथ आपको थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग देखने को मिल रही है। अब मार्केट में मौजूद वन ऑफ द चीपेस्ट फोन हो जाता है, इससे ज्यादा महंगा आपको देखने को मिलता है Xiaomi का Mi 10i और जो Motorola का Moto G 5G होता है वो। लेकिन Mi 10i के अंदर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ 2 बैंड 5G के देखने को मिलते हैं। और यहां पे देखा तो 60Hz का एमोलेड डिस्प्ले, मल्टीपल 5G के बैंड्स है, प्राइसिंग भी कम रखी गई है और डुअल सिम सपोर्ट को सपोर्ट करता है, दोनों सिम के अंदर 5G, यानी एयरटेल का 5G, जियो का 5G, अब दोनों एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रोसेसर भी देखा है तो काफी ठीक ठाक यूज किया, उसमें भी हम कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते, और 20,000 रुपए के हिसाब से एक ठीक ठाक प्राइस पॉइंट कहूंगा। लेकिन एक बात यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पे 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे यहां पर आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा। बॉस के अंदर हेडफोन जैक का अडैप्टर है, ये कौन लगता है मेरे हिसाब से पर्सनली 20,000 रुपए का कोई भी आदमी अगर फोन खरीदेगा तो उसमें हेडफोन जैक होना चाहिए। 30-40 हज़ार के महंगे फोन से हटा रहे हो अब तो वो एक्सेप्टेबल हो भी गया है, लेकिन 20,000 के प्राइस पॉइंट पे हेडफोन जैक तो होना चाहिए था। यार ये मेरे को लगता है कि इस डिवाइस में एक छोटी सी कमी जो आपको बाकी दूसरे कॉम्पिटिशन वाले डिवाइसेस में देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही बात करें तो उसकी जो बैटरी का साइज है ना वो भी मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, चूंकि 4310mAh की, यानी 4310mAh की बैटरी है। अब यहाँ पे इन्होंने डुअल सेल बैटरीज का यूज किया है और यहाँ पे 50W की चार्जिंग देखने को मिल रही है, जो आप सिमिलरली Realme X2 Pro में देखी थी ना, सिर्फ वही चार्जिंग की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है। पर्सनली बात करूँ तो बैटरी की चार्जिंग टेक्नोलॉजी 50W ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन हालांकि बॉक्स के अंदर जो लोग चार्जर प्रोवाइड करेंगे ना वो 50W का नहीं होगा, वो 65W का होगा। अब आप सोचो कि 65W का चार्जर क्यों है।
अब Realme क्या है? Realme 65 वॉट के चार्जिंग वाले बहुत सारे फोन बनाती है। Narzo 20 Pro की बात कर ले, Realme 7 Pro के बारे में बात कर ले, या फिर Realme के X7 Pro के बारे में बात कर ले, अभी थोड़ी देर से इसके बारे में बात करने वाले हैं, और सबसे महंगे Realme X50 Pro के बारे में बात कर ले। 65 वॉट का चार्जर वो सस्ते में बना रहे हैं, और 50 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्होंने सॉफ्टवेयर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस और क्रिएट किया जा सके X7 और X7 Pro में। अब 15 वॉट से इतना बड़ा डिफरेंस पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ अगर हार्डवेयर वाइज बात करें तो डेफिनेटली X7 के अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 65 वॉट चार्जिंग का, लेकिन सॉफ्टवेयर से 65 वॉट का चार्जर डिसेबल कर रखा, 50 वॉट का ही सपोर्ट करेगा, ये चीज आपको देखने को मिल रही है। और 4310mAh बैटरी मुझे थोड़ी सी कम लगी। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको 5000-6000 मिलती तो काफी अच्छी चीज होती, एटलीस्ट 5000 तो मिल ही सकती थी, लेकिन 4310 थोड़ी सी कम लगती, 4500 तक भी थोड़ा एक्सेप्टेबल हो जाती है यहाँ पे चीज। कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का वही मेन कैमरा, यहाँ पे सैमसंग का सेंसर यूज किया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 3 कैमरा यूज देखने को मिलते हैं। पता नहीं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो क्यों डाला है यार, मेरे को समझ में नहीं आता, अभी भी 2021 शुरू में हो गया 2 मेगापिक्सल का कैमरा, खैर 2 मेगापिक्सल को जाने देते हैं। 8 मेगापिक्सल का मैं कहूंगा कि फिक्स्ड फोकस लेंस के साथ आपको कैमरा देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स ले पाएगा। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और इसके अंदर आपको जो रेगुलर फीचर्स देखने को मिलते हैं वो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड, नाइट फोटोग्राफी और Realme के जो एल्गोरिथम्स है उसके यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। हमने पास में देखा कि Realme के जो फोन है वो ठीक ठाक फोटोग्राफ ले लेते हैं और कलर्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं, तो सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और ओवरऑल मैं कहूँ तो फोन जो 20,000 रुपए के प्राइस के हिसाब से 6GB RAM 128GB वाला हल्का सा बैलेंस लगता है। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि रैम कौन सी है तो यहाँ पे LPDDR4X और स्टोरेज यहाँ पे UFS 2.1 का यूज देखने को मिलता है। अब बात आती है कि आखिर इसके अपग्रेडेड मॉडल में क्या है। अब मेरे को क्या लगता है कि Realme X7 है और जो प्रो मॉडल है उसके अंदर इसी चीज को बेस बनाते हुए चीजों को हल्का हल्का इंप्रूव किया गया है। जैसे बात करें ऑब्वियसली डिजाइन में, यहाँ पे आपको जो AG ग्लास होता है वो देखने को मिलता है, पीछे की तरफ ग्लास डिजाइन है और हल्का सा जो आपको ग्रेडियंट कलर्स होते हैं, लुक्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए तो प्राइसिंग में भी इन्होंने काफी ज्यादा डिफरेंस रखा है। यहाँ पे देखा है तो आपको 30,000 रुपए का Realme का X7 Pro देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ भी LPDDR4X RAM और UFS 2.1 स्टोरेज यूज की गई है। अगर UFS 3 या थोड़ी फास्ट स्टोरेज यूज की जाती एक काफी सही चीज रहती, खैर इस चीज को हम जाने देते हैं, लेकिन डेफिनेटली डिजाइन के मामले में तो काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और डिजाइन आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, नो डाउट। डेफिनेटली ओप्पो में सब मिलती जुलती चीज देख चुके हैं। इसके साथ ही बात करें तो फोन के अंदर जो डिस्प्ले है ना, मैं बोलूंगा कि इसमें आपको काफी कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट पर अभी तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनडाउटेडली मैं बोलना चाहूंगा कि इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा Realme को, यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ये सैमसंग का E3 एमोलेड डिस्प्ले है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे उन्होंने बताई है, यहाँ पे भी बताई है कि 4096 ब्राइटनेस लेवल्स को सपोर्ट करेगा, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का जो टच रिस्पांस होता है वो देखने को मिलेगा, यानी कि एप्स वगैरह की यहाँ पे 120 हर्ट्ज में अपना कंटेंट डिस्प्ले कर पाएंगी। देखा जाए तो काफी सही काम किया, और 30,000 रुपए में 120 हर्ट्ज फुल HD एमोलेड स्क्रीन काफी कमाल हो जाता है। यहाँ पे देना चाहूंगा कि यहाँ पे तो काफी अच्छा काम किया, इस बात को हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि Realme X7 के अंदर जो छोटी छोटी चीजें थी ना, हर एक एक चीज को पकड़ा इन्होंने और हल्का सा अपग्रेड करते गए। जैसे बात करें डिस्प्ले के अंदर तो अपग्रेड दे दिया, ऐसे ही जो थिकनेस होती वो भी यहाँ पे 8.4mm हो गई है और वेट भी हल्का सा इंक्रीज हो गया 185 ग्राम। लेकिन बात है कि यहाँ पे बैटरी को भी इंक्रीज किया गया है, बैटरी यहाँ पे 4500mAh की है और इसके अंदर आपको 65 वॉट की चार्जिंग और 65 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, जो हैप्टिक फीडबैक होता है उसे भी इंप्रूव किया गया है, और साथ ही साथ जो हेडफोन जैक होता है यार यहाँ से भी गायब है, उसके बारे में पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ 30,000 रुपए के फोन में हेडफोन जैक चलो नॉर्मल, इसके बारे में कंप्लेंट कर नहीं सकते, लेकिन हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर से वो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही प्रोसेसर के बारे में बात करें, डायमेंसिटी 1000 प्लस है, एक अच्छा प्रोसेसर मैं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट आया इंडिया के अंदर, यानी कि पिछले साल चाइना के अंदर ये लॉन्च हुआ था, ये फोन भी लॉन्च हुआ था, काफी सारी कंपनी ने डायमेंसिटी 1000 वाले फोन्स निकाले, अभी ओप्पो ने भी अपना 1000 प्लस के साथ फोन निकाला था 35,000 रुपए का, लेकिन 30,000 रुपए के हिसाब से रियलमी की तरफ से ठीक ठाक फोन हमें देखने को मिल रहा है। परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूंगा कि स्नैपड्रैगन 855 की बराबरी अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंस तो देखने को मिलेगी, लेकिन आप सोच रहे हो कि 30,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 865 जैसी परफॉर्मेंस इसमें से निकाल लो, ऐसा नहीं होने वाला है। परफॉर्मेंस इसके अंदर 7nm का प्रोसेसर यूज किया गया है,
पावर एफिशिएंसी मिलेगी, डुअल सिम 5G का सपोर्ट मिलेगा और उसके अंदर 4 से 5 जो 5G के NSA और SA वाले बैंड्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं ये। तो 5G के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ कहूंगा, यहाँ पे सब 6 GHz का 5G मिल रहा है जो कि SA, NSA, डुअल सिम 5G इनको सपोर्ट करता है। लेकिन रॉ परफॉर्मेंस के मामले में स्नैपड्रैगन 855 प्लस इसे थोड़ा सा पीछे रखना चाहूंगा, क्योंकि हमें मालूम है काफी सारे फोन अब मार्केट में आने लगे जहां पे डिस्काउंट के साथ आपको स्नैपड्रैगन 865 30,000 या उससे बिलो प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें iQOO 3 हो गया, Mi 10T हो गया, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 वाले फोन से जिनमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पे मैं स्नैपड्रैगन 865 के बारे में कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो फोन हैं ना वो भी अच्छे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने कि आपको 128 AMOLED है ना मार्केट में कोई भी दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर नहीं प्रोवाइड कर रही है, ये आपको सोचने वाली बात है। इसके साथ ही ये दो फोन है ना वो Realme UI के ऊपर चल रहे हैं, दोनों ही फोन में Realme UI है, उनका ऑप्टिमाइजेशन लगाया गया है, बैटरी को यहाँ पे इंप्रूव करने की बात की गई है, क्योंकि डेफिनेटली जब डुअल सेल बैटरीज कंपनीज यूज करती है ना एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि जब दो बैटरी पैरेलली लगाई जाती है तो ओवरऑल बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाती है। अब 4500 mAh की जगह यहाँ पे लोग 5000 mAh की बैटरी भी फिक्स कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली उससे फोन की थिकनेस और वेट इंक्रीज हो जाता। अब 4500 यहाँ पे यूज की गई है, लेकिन फिर भी आपको Realme UI की चीजें देखने को मिलेंगी, जो Realme UI के जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में जब ये फोन आता है तो कितने बग्स होते हैं, किस तरीके से रिमूव किया गया होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो फोन है पहले बाहर चाइना में लॉन्च हो चुका है, और अगर कोई कंपनी अपने फोन को बाहर कहीं पहले लॉन्च कर चुकी होती है ना तो उसकी ऑलरेडी काफी सारी टेस्टिंग अच्छे से हो चुकी होती है और आपको एक अच्छा स्टेबल सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रो होता है ना वो यहाँ पे जुड़ जाता है इस फोन के साथ। और वहीं बात करें फोन के पीछे की तरफ तो पीछे कैमरा में भी देखा तो X7 में ट्रिपल कैमरा थे ना, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल रहा है X7 प्रो में। 64 MP का मेन कैमरा, ये सोनी का IMX86 सेंसर है। देखा जाए तो इस सेंसर के साथ आपको काफी सारे दूसरे फोन भी देखने को मिले मार्केट के अंदर, लेकिन हाँ वो सारी चीजें पास में देखने को मिली थी। इस सेंसर को उन्होंने यहाँ पे ज्यादा से यूटिलाइजेशन किया है, 4K 60 FPS को ये सपोर्ट करता है, देखा तो काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रावाइड, 2 MP का डेप्थ। आप जानते हो कितने कैमरा अच्छे हैं कितने कैमरा काम के नहीं है, लेकिन मेन जो कैमरा है ना वो यहाँ पे कहूंगा कि डिसेंट सा यूज किया है, लेकिन इसके साथ अगर OIS वगैरह कुछ और यूज करते ना तो काफी कमाल की बात होती। तो अब बात करते हैं फाइनली कि 20,000 रुपए में X7 लेने लायक और 30,000 रुपए का जो X7 Pro क्या वो लेने लायक है। यार मेरी एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन 27-28 में अगर X7 Pro आता अच्छी बात होती, और 18,000 या 19,000 में अगर X7 आता काफ़ी मजा आ जाता। खैर ऑफिशियली तो इनकी प्राइस इतनी नहीं जा पाई है, लेकिन हाँ ICICI बैंक का ऑफर है 2,000 रुपये के साथ इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा, तो आप इसको इस कीमत में परचेज कर सकते हैं। और ऑल एंड ऑल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि फोन तो यहाँ पे अच्छे करें, किसी को 5G फोन लेना है कैसा फोन लेना है जो फ्यूचर प्रूफ हो डेफिनेटली आप इन्हें जाके परचेज कर सकते हैं। मतलब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इन फोन को, एक अच्छा फोन मेरे को लगा, कुछ चीजें हैं ऐसी, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट हो सकता था यहाँ पे, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से अभी देखा है तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको यूनिक देखने को मिल रही है। X7 Pro में 120Hz का AMOLED स्क्रीन, वो वहाँ पे यूनिक है, डायमेंसिटी 1000 प्लस, 20,000 रुपये में एक अच्छा प्रोसेसर और 5G का एक्सपीरियंस और एक AMOLED डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो चीज़ें इनको फोन को थोड़ा सा अलग बना देती है। और डेफिनेटली डिज़ाइन वाइज बात करें दोनों ही फोन का पीछे का जो बैक पैनल डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है, उसके बारे में डिनाई नहीं कर सकते डेफिनेटली। तो ऑल इन ऑल बोलना चाहूँगा मैं कि फ़ोन तो अच्छे परफेक्ट नहीं है, कुछ कुछ कमियाँ हैं, लेकिन क्या इनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते? डेफिनेटली इन फोन को रिकमेंड किया जा सकता है। तो वेल अगर आप इन फोन को परचेज करना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे फोन आपको देखने को मिलेंगे, ICICI बैंक के साथ 2,000 रुपये का कार्ड ऑफर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो उसके साथ अगर आपको देना चाहते हो अगर लेना है फोन तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट ICICI लगाने की कोशिश करना, हो सकता है कि आपको काफ़ी अच्छी डील देखने को मिल जाए। सिंपल सा ओपिनियन मेरा यहाँ पे रहा। वैसे खरीदना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को फोन कैसा लगा ये बात नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।